नमस्कार। आज की रेसिपी है दाल पालक बनाना। अब ये भाजी ले ली मैंने पालक की, इसको बढ़िया काटेंगे। और ये दाल है, अब दाल को धोएंगे, इसको दाल को पकाएंगे। अब गैस जलाएं, अब इसमें दाल डालेंगे धोके। अब इसमें थोड़ी हींग डालेंगे। और थोड़ी हरी मिर्ची डालेंगे। दाल धो ली, अब इसमें ये दाल डालेंगे और पानी डाल। तो पानी डालेंगे कि दाल अच्छे से पक जाए। अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। अब इसको ढक देंगे 15 मिनट के लिए, यह दाल अच्छे से पक जाए, फिर इसमें भाजी डालेंगे। जब तक भाजी को काट ले, अब इसको भाजी को काट ले महीन। अब दाल ये पक गई, इसमें भाजी डालेंगे। भाजी में थोड़ा सा आटा मिलाएंगे जिससे अच्छे से मिल जाए वो। इसको चला देंगे अच्छे से। अब ये दोनों चीजें अच्छे से पक जाए 10 मिनट तक इसे ढक देंगे। अब 10 मिनट तक इसे ढक देंगे तो दोनों दाल और भाजी दोनों अच्छे से मिल जाए। अब दाल भाजी बनके तैयार हो चुकी है। अब इसको गैस को बंद कर देंगे। अब इसको निकाल देंगे। ये दाल भाजी निकाल दी है। अब ये भाजी बनके तैयार हो गई। अगली रेसिपी में फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।